जिस हरिशंकर तिवारी के सामने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक झुकते थे, योगी के सामने वो बाहुबली कैसे हार गया था? गोरखपुर को अपने इशारे पर चलाने वाला वो बाहुबली जिसके एक इशारे पर निकल पड़ता था 500 गाड़ियों का काफिला। तिवारी हाता में लगता था मुख्यमंत्री जैसा दरबार। हरिशंकर तिवारी और योगी आदित्यनाथ की दुश्मनी से जब हिल गया था गोरखपुर। कहते हरिशंकर तिवारी कैसा भौकाल था, कभी प्रधानमंत्रियों ने उनके सामने अपना सिर झुकाया तो कभी यूपी के मुख्यमंत्रियों ने उनसे आशीर्वाद लिया। जिस गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ है, उसी गोरखपुर से तिवारी परिवार भी है। उस दिन योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया था कि वो बाकियों की तरह सिर झुकाने वाले नहीं, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं। उस दिन योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा थी और सामने गोरखपुर का सबसे बड़ा बाहुबली हरिशंकर तिवारी थे। अंग्रेजी में एक कहावत है, लव मी या हेट मी बट यू डोंट इग्नोर मी, मतलब नफरत करो या प्यार, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते। हरिशंकर तिवारी का कद भी यूपी की राजनीति में कुछ ऐसा ही था। हरिशंकर तिवारी पहले वो शख्स थे जिन्होंने जेल के अंदर से निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक बन गए थे। यूपी के बाहुबली नेता पंडित हरिशंकर तिवारी के निधन के बाद से सिर्फ गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में उनके चाहने वालों में मातम का माहौल है। गोरखपुर के जिस हाते में कभी हरिशंकर तिवारी का दरबार सजता था, वहां समर्थकों की भीड़ जुट गई है। हरिशंकर तिवारी का कभी गोरखपुर के माफिया राज में उनके नाम का डंका बजता था। गोरखपुर के लोगों के लिए पंडित जी के हाथे से जो आदेश निकलता था वो किसी मुख्यमंत्री के आदेश से कम नहीं होता था। गोरखपुर और आसपास के इलाके में हर छोटे से बड़े व्यापार और ठेकों में हरिशंकर तिवारी का दखल था। 70 के दशक का वो दौर जब देश की राजनीति काफी तेजी से बदल रही थी, जेपी की क्रांति और कांग्रेस को मिल रही चुनौतियों का असर देश के हर राज्य में नजर आ रहा था। हरिशंकर तिवारी की पॉपुलरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चिल्लू पार सीट से वो 22 साल तक लगातार विधायक चुने गए। हरिशंकर तिवारी की एक खूबी ये भी रही कि राजनीति के हर दल के साथ उनके रिश्ते बहुत करीब रहे। सत्ता चाहे किसी की भी रही हो, हरिशंकर तिवारी हमेशा मंत्री बनते रहे। कहते जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान हरिशंकर तिवारी से सलाह लेकर कई बड़े फैसले लेते थे। योगी आदित्यनाथ जब पहली बार 2017 में मुख्यमंत्री बने, उसके एक महीने बाद ही 22 अप्रैल को हरिशंकर तिवारी के हाथे में पुलिस का छापा पड़ गया। पहली बार किसी मुख्यमंत्री के रहते तिवारी हाथा में पुलिस घुसी थी। खबर लगते ही गोरखपुर में हड़कंप मच गया। हरिशंकर तिवारी के समर्थक सड़कों पर उतर आए और गोरखपुर डीएम आवास को घेर लिया था। योगी की पुलिस भी कमजोर पड़ने लगी। हरिशंकर तिवारी के समर्थक नारे लगा रहे थे, बम बम शंकर, जय जय हरिशंकर। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहां झुकने वाले थे? हरिशंकर तिवारी को लग रहा था कि बाकी मुख्यमंत्रियों की तरह योगी आदित्यनाथ भी उनके सामने झुक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन योगी आदित्यनाथ ने पहली बार पूरे यूपी को दिखा दिया था कि वो बाकी मुख्यमंत्रियों की तरह नहीं है। बाहुबल, माफिया, सब कुछ योगी के सामने फीका था। उस दिन योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से सीधा आदेश दे दिया था कि किसी भी हालत में पुलिस को पीछे नहीं हटना है, और उस दिन योगी आदित्यनाथ के सामने हरिशंकर तिवारी हार गए थे। मुख्यमंत्री बनने से पहले जब योगी गोरखपुर मठ में रहते थे, तभी से हरिशंकर तिवारी और योगी आदित्यनाथ की दुश्मनी शुरू हो गई थी। कहते हरिशंकर तिवारी पंडितों को बढ़ावा देने लगे थे और योगी आदित्यनाथ ठाकुरों को बढ़ावा देते थे। जब योगी मुख्यमंत्री बने और तिवारी परिवार पर कार्रवाई हुई, तो इसे कुछ लोगों ने यह भी कहा कि योगी अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला ले रहे हैं। हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल के सबसे बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी। पहले डॉन माफिया, फिर राजनीति में अपना सिक्का जमाया, लेकिन तिवारी जी का भौकाल ऐसा कि मरने के बाद भी अखिलेश यादव से लेकर मायावती और भी बड़े बड़े नेता भी दुख जता रहे हैं। हरिशंकर तिवारी के निधन के साथ ही पूर्वांचल की राजनीति में एक युग का अंत हो गया है। वैसे हरिशंकर तिवारी भले ही कुछ लोगों के लिए माफिया और बाहुबली रहे हों, लेकिन कुछ लोग आज भी उन्हें गोरख